दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करेंसी का एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे हम इसके बेस्ट लेवल को किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हम किस प्रकार से देख सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इसके लिए हम आ चुके हैं एंजल्स पार्क के एप्लीकेशन पे। एंजल्स पार्क के एप्लीकेशन पे आने के बाद स्टार्टेड एफएनओ पे हमें क्लिक करना होता है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यूएस डॉलर और आईएनआर करेंसी का चार्ट लग जाता है। पिछले वीडियो में हमने एनालिसिस किया था कि करेंसी एक रेंज में काम कर रहा है जो कि 83 से लेके 82.70 के आसपास की रेंज है। इस रेंज के बीच में करेंसी हमें काम करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय में हम देखें तो इसने एक डाउनसाइड की रेंज को भी ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन यहां से इसने एक बाउंस मारा और वापस से ही 83 के लेवल तक के पहुंचा। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये आती है कि अगर हम यहाँ पे बोलिंजर बैंड पर देखें तो जो सिग्नल लाइन है, इस सिग्नल लाइन को भी यहाँ पे करेंसी जो है ये इंडियन और यूएसडी में आपस में जो ट्रेड हो रहा है, इस लाइन को एक एज अ सपोर्ट यहाँ पे लिया जा रहा है और इसको देख के ही करेंसी में यहाँ से एक बाउंस पे हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक होती है करेंसी में, जो डाउन साइड का लेवल हमें देखने को इस समय मिल रहा है, अगर जो इस समय 82.67 के आसपास बना हुआ है, अगर इस रेंज के नीचे करेंसी निकलती है और क्लोजिंग देती है इस रेंज के नीचे, तो हमें करेंसी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है और वापस से जो करेंसी का हमें जो भाव है ये 82.60 टू 82.40 के लेवल तक के हमें स्लिप होता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही हमें एमएसडी लाइन के ऊपर एक नज़र डालें तो एमएसडी लाइन में भी हमें एक नेगेटिव क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आता है, तो इस लेवल के ऊपर हम ध्यान रख सकते हैं। अब बात आती है कि करेंसी में हम प्रेडिक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो प्रेडिक्शन करने के लिए आपको यहाँ पे एंजल्स पार्क एप्लीकेशन या एंजल वन एप्लीकेशन में आपको साइड में एक टूल बार आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप अलग अलग टूल लगा के आप यहाँ से इंडियन करेंसी और यूएस डॉलर में आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ से इंडिकेटर ऑप्शन का यूज़ करके आप यहाँ करेंसी में अपने मनपसंद इंडिकेटर लगा के यहाँ से आप अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि करेंसी का ट्रेंड क्या चल रहा है, लो डाउन साइड में चल रहा है या अप साइड में चल रहा है। आपको सारा को डेटा देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर हमने चार्ट को छोटा किया और आपको देखने को मिला कि यहाँ पे करेंसी काफ़ी लंबे समय से एक रेंज में फंसा हुआ है, रेंज में काम कर रहा है, अगर ये रेंज ऊपर साइड में ब्रेक होती है तो हमें ऊपर साइड में 83 से लेकर 83.24 के ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो इन लेवल के ऊपर हम ध्यान रख सकते हैं। अगर आप करेंसी में ऑप्शन चेन का एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको इसी विंडो पे ऑप्शन चेन देखने को मिल जाती है। जैसे हम यहाँ पे ऑप्शन चेन लगाते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे हाईएस्ट जो पोजीशन बनते हुए नज़र आ रही है ये 83 पॉइंट के लेवल पर बनते हुए नज़र आ रही है। तो 83 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और सपोर्ट के लिए अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो 82.75 का जो लेवल हमने आइडेंटिफाई किया था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब करेंसी हमें 83 से लेकर 82.75 के लेवल में ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर यह रेंज ब्रेक होती है तो हमें और ज़्यादा इसके अंदर अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। अगर 82.75 के नीचे करेंसी स्लिप होता है तो हमें डाउन साइड में 82.50 का लेवल देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर यह लेवल होल्ड कर लेता है तो 83 का लेवल एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ तक हमें करेंसी जाते हुए नजर आ सकता है। और यह लेवल अगर ब्रेक करता है तो हमें इसके अंदर एक नई फ्रेश तेजी देखने को मिल सकती है, जो 83.25 के लेवल तक के हमें करेंसी जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर आपको लगता है कि करेंसी में बाइंग आ सकती है, करेंसी ऊपर साइड में जा सकता ही है, तो हम सी ऑप्शन लेंगे। अगर हमें लगता है कि करेंसी में नेगेटिव साइड आ सकता है तो हम यहाँ पी ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पे 82.75 का कॉल ऑप्शन जो 0.1925 पर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है, तो इसमें हम पोजीशन बनाने के लिए इसको देखेंगे। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो चार्ट ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ ऊपर साइड में एक बाय ऑप्शन देखने को मिलता है, बाय बटन, तो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक लॉट टाइप करते हैं, एक लॉट में 1000 करेंसीज आती है और यहाँ पे जो करंट प्राइस के साथ हमें जो इन्वेस्टमेंट लगने वाला है ये 192.5 लगने वाला है। मतलब कि काफ़ी छोटे अमाउंट में भी हम यहाँ पे करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हैं और करेंसी में जो ट्रेडिंग की टाइमिंग होती है ये 9 AM टू 5 PM तक की होती है, तो इतने लंबे समय के लिए हम यहाँ पे करेंसी में अपनी पोजीशन को भी होल्ड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होंगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, नमस्कार।